कल फेस पैक लगाया है क्योंकि कल मेरा स्कूल में प्रोग्राम है। मैं अकेले स्टेज पर डांस करूँगी, ऐसे तो बहुत सारी लड़कियाँ करने वाली है और मैंने भी पार्टिसिपेट किया है और मैं तो वहाँ अकेले रहूँगी। तो अगर वीडियो मिलेगा मुझे मैं डांस करने का तो मैं पक्का अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो मैं पढ़ रही हूँ और आपको तो पता है कि मैं डीएवी भी पढ़ती हूँ, डीएवी का ही मैं बुक पढ़ रही हूँ अभी। मम्मा ने मुझे इसमें से 1 या 2 जेल क्रीम से फेस में मसाज कर दिया मम्मा ने। और मेरा सॉन्ग है जिसपे मैं डांस करने वाली हूँ कल स्कूल में, गाना सो जा जरा। और अभी मैंने देखिए मैं पूरा रेडी अभी से करने स्टार्ट कर दिया मैंने। ये देखिए मैंने नेल पेंट लगा ली, वैसे मेरे स्कूल में नेल पेंट अलाउड है नहीं मेरी नेल पेंट, पर फिर भी मैंने लगाया है कल के लिए। और वैसे अभी मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, मेकअप निकाला है, चूड़ी लहंगा, मैं लहंगा पहन के जाऊँगी ना इसलिए लहंगा, फिर वहाँ पर तो लंच करने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत रात भी हो गई है अभी तो 10 o'clock हो रहा है और अभी मुझे डिनर भी करना है। दीदू तो अभी पढ़ाई करे, पढ़ाई कम, दीदू ने इसे फैला के ज्यादा रखा है। दीदू के स्कूल में प्रोजेक्ट है इसलिए दीदू ये बनाई है इतना मेहनत से। बाप रे, जब मैं बड़ी क्लास में जाऊंगा तो कैसे करूंगी। वाओ स्टूपिड, तुमको क्या हुआ? बस ये फ्राइडे का साइंस और मैथ, क्योंकि यहाँ तो म्यूजिक है, म्यूजिक में बस म्यूजिक कॉपी और कुछ भी नहीं। मेरा बैग तो बहुत लाइट होगा। मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मुझे जमी जमी मैगी खाना है वहाँ पे। ठीक, अभी मैं बैंगल्स पहन रही हूँ, बैंगल्स। मम्मा जल्दी से मैगी बना दो। लो गाड़ी, और मैं तो मेकअप अभी किया नहीं, मैं मेकअप करूँगी तब तक बहुत देर हो जाएगा और मेरी गाड़ी जब तक चली जाएगी मेरी वैन, तो मैं आज वैन से जाऊँगी भी नहीं। वैसे मैं डैडू मुझे मेरे डैडू छोड़ देंगे मेरे स्कूल, कम से कम 8 बजे तक मैं चल जाऊँगी स्कूल। अब तो मुझे आई मेकअप करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत देर हो जाएगा, तो मैं वहाँ पे मेकअप अभी कर लेती हूँ, फिर मैं वहाँ जाऊँगी, स्वेटर को ओपन करूँ या ब्लाउज अंदर में इसको खोल लूँगी और यहाँ पर लहंगा जो मैंने यहाँ पे खोल के प्रैक्टिस पहन लूँगी। फिर वहाँ पर यूनिफॉर्म पहनना ही है वैसे भी, और पढ़ाई भी होगा बस ऐसे ही, हाउस डांस हो रहा है। आपको अगर आप डी एम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि विवेकानंद हाउस क्या होता है। और सॉरी, अब तो विवेकानंद हाउस रहा नहीं, अब तो तक शीला हाउस हो गया है। अब तो मैं स्कूल से आके ही मिलूँगी, अगर वहाँ पर मेरे स्कूल में वीडियो बन पाएगा तो
कैसे पॉसिबल हो कि मैं पॉसिबल करके मैं आपको इसमें शेयर करूँगी अपने यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी वो वीडियो। बहुत सी लड़की डांस करने वाली है और मैं भी डांस करूँगी अकेली। बेस्ट ऑफ लक। Yeah.
लेके आई हूँ इतनी सारी कॉफी, क्रीम बिस्किट, छोटी वाली कर्ड और छोटी वाली मिल्क और स्टार्ट एक्शन। अच्छे से फिट होगी। अब मुझे पता है कि ये दीदू को फिट नहीं होगा।